किसके कहने पर रिपोर्ट दर्ज कराई है? मुझसे तो मशवरा कर लेती, सच सच बता, बेगुनाहों पर पर्चा कराने की पट्टी किसने पढ़ाई है? किसी ने कोई सबक नहीं पढ़ाया मलक जी, जो किया है खुद ही किया है। और इतना काका तो मैं भी नहीं हूं, क्यों मुझे पागल बना रही है? खुदा का खौफ कर, पहले अशरफ ने उनको लूटा और फिर तूने सोचा कि मैं क्यों पीछे रहूं, इसलिए उन पे पर्चा करा दिया ताकि 15-20 हज़ार रुपए मैं भी खड़े कर लूं। मुझे पैसे नहीं, इंसाफ चाहिए, इसलिए पर्चा कराया। तो सब यही कहते हैं और फिर राजीनामे के पैसे लेकर एक तरफ हो जाते हैं। क्यों बेटी की लाश बेच रही है? अब क्यामत के दिन क्या मुंह दिखाएगी? इससे बढ़कर मुझ पे क्या क्यामत होगी मलिक जी? पहले बेटी गई और अब आप मुझ पे ही इल्जाम लगा रहे? इल्जाम नहीं लगा रहा, जो वीडियो तुझे दिखाई है ना, उसमें अशरफ ने साफ साफ कहा है कि उसने पैसे लिए हैं और रानी पहले से बीमार थी। अशरफ जाने और उसका खुदा जाने, मैंने बेटी की लाश का ना सौदा किया है और ना ही करूंगी। तो ज्यादा ड्रामे ना कर, तेरी डायलॉग बाजियां सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। जल्दी से बता, राजीनामा करने के कितने पैसे लेगी? उतने दिलवा दूं जितने अशरफ ने लिए या ज्यादा लेगी? आप हमारे बड़े हैं मलक जी, हमेशा आप ही का कहना माना हमने, नमक खाया आपका, लेकिन अब मैंने रानी की कसम खाई है, मैं उसके कातिलों को नहीं छोड़ूंगी। इस बार आपकी नमक हलाली के बजाय बेटी की लाश के साथ खड़ी रहूंगी। जिस डॉक्टर ने तुझे खड़ा किया ना, वो तो चला जाएगा, फिर क्या करेगी? डॉक्टर ने नहीं, कब्र में लेटी रानी ने मुझे खड़ा किया। क्या सबूत है तेरे पास कि रानी को कत्ल किया गया है? सबूत मैं अदालत में दूंगी। मेरे होते हुए तू गांव की बात को अदालत में लेकर जाएगी? गांव की बात होती तो आप मेरे साथ खड़े होते, ना कि जालिम के। लेकिन अब ये मेरे घर की बात है, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी मलक जी।